जीवन रसोई में बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे एक बात है, दो चीज़ें हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, एक तो पेशेंस जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं हो, और एक एटीट्यूड जब हमारे पास सब कुछ हो। क्योंकि जिस वक्त हमारे पास कुछ नहीं होता है उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है पेशेंस रखना, जो कि नॉर्मली हम सब लोग खो देते हैं और बहुत इंपेशेंट हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके पास सब कुछ होता है, जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया होता है, तो उनके लिए भी कहा जाता है कि कभी लाइफ में ऐसा एटीट्यूड उनके पास नहीं आना चाहिए कि जिससे औरों के प्रति उनका एक रवैया जो देखते हैं हम लोग, जो लगता है कि कितना एटीट्यूड है। एटीट्यूड हमेशा हो तो एक पॉजिटिव वे में हो। तो मैं भी यही कहूँगी कि अगर कुछ नहीं है लाइफ में आपके पास भी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें दिख नहीं रहती है, तो वो भी हमें, हम अगर उस तरफ भी ध्यान दें तो हमें लगेगा कि कितना कुछ है जो हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, एक बहुत ही उस समय क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पहले बना चुके होते हैं तो वो हमारे लिए बोरिंग हो जाती है, लेकिन जब कुछ रेसिपीज़ में कुछ नई चीज़ें सीखते हैं तो उसको बनाने में एक हमें उमंग लगती है, एक उत्साह लगता है, फिर लगता है बनने के बाद अगर अच्छी बनेगी तो परिवार के लिए भी एक नया चेंज होगा। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उस वक्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही बहुत अच्छी रेसिपी लेकर हाजिर हुई है हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस सुनीता दिनानी जी, और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड है। आई थिंक अगर आप नाम सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है हमारे पास, सोया चाप है, तंदूरी सोया चाप, जो कि आजकल यूथ बच्चे इसे बहुत ही चाव से खा रहे हैं। स्ट्रीट फूड है, बहुत फेमस, दिल्ली में ये बहुत ही फेमस हुआ, उसके बाद ही सब जगह फेमस होता ही चला गया, और अब जो सोया चाप है वो इजीली मिलने भी लगे हैं। तो उन्हें किस तरीके से आप बना सकते हैं, आइए जानते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी, एवन रसोई में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी, सोया चाप की रेसिपी हम सिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। सोया चाप आपने देखा होगा कि स्ट्रीट फूड, और वहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है, जैसे मोमोज हुए, ये चीज़ें, लेकिन आजकल सोया चाप काफ़ी इन हो गया है, और जो ये यंग जनरेशन है वो तो इसको बेहद ही पसंद कर रही है, और थोड़ा सा भी अगर अमाउंट में बनता है तो काफ़ी फिलिंग हो जाता है। लेकिन इसको एक घर में हम परफेक्ट वे में कि मज़ा आ जाए खाने के बाद, तो वो रेसिपी आज आपसे सीखेंगे। बिल्कुल, आपने बात की पेशेंस की, जी आई टोटली एग्री विथ यू। पेशेंस वो चीज़ है जब मुश्किल के समय आपने थोड़ा सब्र किया, पेशेंस किया, तो यानी समझो कि आपने उस मुसीबत को तो आधा वैसे ही जीत लिया है जी। तो पेशेंस वाकई बहुत ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में हो वही पेशेंस हमें कुकिंग के लिए भी चाहिए होता है, ज़रूरी है बहुत। तो हमारी रेसिपी है तंदूरी सोया चाप जी। हम व्यूअर्स को ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे और शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। ठीक है सुनीता जी। जी तो वर्तिका, ये है सोया चाप, हम हमारे व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं। ये बाजार में रेडीमेड मिलती है। अच्छा। इन फ्यूचर कभी टाइम मिला तो मैं ये भी बनाना सिखाऊंगी कि आप इसे घर में भी बना सकते हैं, तो ये आपको बाजार से इजीली मिल जाएगी, और आजकल तो आपको हर जगह मिल जाती है ये। ठीक है। तो वर्तिका, ये हंकट है जी, ये तकरीबन एक कप है। दही को हमने बांध के इसको गाढ़ा कर लिया है। ठीक है। हम इसमें सारा मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं आधा चम्मच गार्लिक पेस्ट, आधा चम्मच जिंजर पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है। इसी में हम मिलाएंगे सूखे मसाले। अच्छा। सबसे पहले हम ले रहे हैं सॉल्ट एज पर टेस्ट, लाल मिर्च। ठीक है। ये भी आपके स्वाद के अनुसार होगी। थोड़ा सा इसी में हम डाल देंगे चाट मसाला। ओके। थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा हम डालेंगे इसमें तंदूरी कलर। तो वो जो सुंदर सा कलर आता है वो इसी से आता है। एग्जैक्टली। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वर्तिका, इसी में हम थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल रहे हैं। ठीक है। नाम है हमारा रेसिपी का तंदूरी चाप। बिल्कुल। तो हम तंदूरी मसाला नहीं भूलेंगे। ये मैंने एक चम्मच के करीब तंदूरी मसाला डाल दिया है, और ये तंदूरी मसाला वही है जो हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है तंदूरी मसाले के नाम से जी। इसी में हम डालेंगे दो चम्मच तेल। अच्छा, ठीक है। अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब चीज़ें हमारी अच्छे से मिल गई हैं। जो हमारी सोया चॉप है उसको हम थोड़ा पिक कर लेंगे। ओके, ताकि इसका मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। बिल्कुल। ऑल ओवर इसको हम अच्छे से पिक कर लेंगे। ये आप फोक से भी कर सकते हैं, मैं नाइफ से कर रही हूँ। ओके।
ऑल ओवर करते हुए हम इसे इस मिक्सचर में डाल देंगे। इस मैरिनेशन में इसको आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे रखना है। अगर पूरी रात के लिए रखते हैं तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा। इसका सारा फ्लेवर इस चाप के अंदर अच्छे से आ जाएगा। पर कम से कम 1 घंटा तो मैरिनेट करें। हाँ जी, इसमें करके आप इसे फ्रिज में रख लीजिए। अच्छा, नहीं तो ये मैरिनेशन खट्टा होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं। बिल्कुल, तो उसका फ्रिज में रख दीजिए, तो इससे ये खट्टा नहीं होगा। ठीक है, अब तक आप ये करिए, मैं व्यूअर्स से बातें करती हूँ। एनी टाइम। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, सुनीता जी ने पहले बंधा हुआ दही लिया, उसको आप चलनी में डाल दीजिए, पूरा पानी आ जाएगा, उसको फ्रिज में ही रखा रहने दीजिए। गर्मी में वो खट्टा हो सकता है, फिर बंधे हुए दही के अंदर जिसका फ्लेवर आएगा, एक तो जो हमने तंदूरी मसाला लिया है उससे आएगा, साथ में हमने इसमें डाला है चाट मसाला, नमक ली है, लाल मिर्च ली है, और इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए हमने यहाँ पे तंदूरी कलर का यूज़ किया है। तो अगर आप देखते होंगे मार्केट में, उसका जो कलर होता है वो भी थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर रहता है, तो वो तंदूरी जो कलर आता है रेड वाला, उसको हमने यूज़ किया है यहाँ पे। और साथ में अब हमने लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाला है। तो ये सारे मसाले अगर आपने देखे हों, तो हम जब तंदूरी पनीर टिक्का बनाते हैं उसमें भी इसी तरीके की चीज़ें यूज़ होती है, साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें यूज़ हुआ है, तो वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो टोटली बहुत ही डिफरेंट आएगा। तो अभी तो ये चीज़ें सुंदर जी ने इसके ऊपर कोट कर दी है, लेकिन जब आप अपने घर में बनाएं तो कम से कम इसको 1 घंटा मैरिनेशन के लिए ज़रूर रखिएगा। और अगर आप इसको ओवरनाइट पूरा फ्रिज में रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका इफेक्ट आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या करना है। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। ठीक है, आप चाहे तो आधा तेल आधा बटर भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हैं। ओके, ये सारी चॉइस आपके ऊपर है। अब इसके अंदर हम ये मैरिनेट की हुई चाप डाल देंगे। इसको दोनों तरफ से चेंज करते हुए इसको हल्का हल्का सा हम पकाएं। इसे शैलो फ्राई टाइप से करना है जी। बिल्कुल, आपके पास अगर ग्रिलिंग पैन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। ओके, अगर माइक्रोवेव में कन्वर्शन है तो उसमें भी आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मसाला इस पर पूरा कोट होता जा रहा है, दही का जो मॉइस्चर है वो सूखता जा रहा है, तो उस पर वो अच्छे से कोट हो रही है। बिल्कुल, तो बस ये हमारी चाप तैयार हो गई है। ठीक है, हम इसे सिल्वर फॉइल से रैप कर लेते हैं। अच्छा, जिससे कि इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी, साथ ही हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। वर्तिका, इस चाप पे हम हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे। ठीक है, साथ ही थोड़ा लाइम जूस। ये हम तब करें जब हम सर्व कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अब इनको हम इन शॉट ग्लासेस में डाल देंगे। पुदीने का रायता हमारा तैयार है। अच्छा, साथ ही हम इसे प्याज के लच्छे और थोड़ी गाजर और साथ ही थोड़ी हरी मिर्च, जो इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, तो ये हमारा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है तंदूरी सोया चाप। तो आपने देखा कि ये जो सोया चाप बने हैं, ये दिखने में इतने सुंदर और डिलीशियस लग रहे हैं और टेम्पटिंग, यानी कि हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ना सिर्फ हमने सोया चाप बनाना सीखा है तंदूरी फ्लेवर का, बल्कि हमने इसकी प्रेजेंटेशन भी सीखी है कि किस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल फॉइल पेपर के साथ। और सिंपली से शॉट ग्लासेस आजकल हर घर में अवेलेबल रहते ही हैं, तो इनमें जब आप डाइनिंग पे इसको आप सर्व करेंगे ना, तो मतलब देखने वाले को लगेगा वाओ यश मज़ा आ गया। तो भाई ऐसी एक शानदार रेसिपी आप सबके लिए है, लाइए सुनीता जी, देखने में बेहद खूबसूरत लग रही है। तो
तो वर्तिका जी, ये रेसिपी, ये सोया चाप दिखने में जितनी अपीलिंग है, आई एम डैम श्योर टेस्ट में भी ये उतनी ही लाजवाब है। तो देख रहे हैं आप कि ये दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और ये बनाने में भी उतने ही आसान है, क्योंकि आपने देखा जो घर के सिंपल से मसाले हैं उन्हीं के संग ये तैयार किया गया है। और घर में ज़रूर से बनाइएगा। और हम आ रहे हैं सिटी से ब्रेक के बाद। इवन रसोई में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत अच्छी रेसिपी सीखने के बाद एक और बहुत अच्छी रेसिपी सीखते हैं, सोया लबाबदार फुलके पराठे, लच्छा नान, मिस्सी रोटी के साथ ही बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तैयार किस तरह से किया जाएगा। तो सुनीता जी, सोया लबाबदार बनने जा रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और एक्चुअली ये सब चीजें बहुत कम लोगों को पता है, तो इसकी एक सब्जी जो बनती है उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा आता है। तो जैसे कि हल्की सी पतली सी रुमाली रोटी हो, या हल्का सिंपल फुलका भी हो, या थोड़ा सी जो नान होती है लच्छेदार, तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। जी वर्तिका, ये जो सोया चॉप है ये फुल ऑफ प्रोटीन है, जिसमें काफ़ी प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो ये जो बढ़ते बच्चे हैं उनके लिए, जो स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए, प्लस जो वर्किंग लेडी हैं या जो मोनोपॉज के करीब जा रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा। तो हमारी रेसिपीज चल रही हैं सोया चाप की, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बनाएंगे इसका मेन कोर्स। अभी हमने बनाया था इसका स्टार्टर। जी। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में बना रहे हैं हम इसका एक मेन कोर्स। ठीक है। नाम होगा उसका सोया लबाबदार, जैसे कि आप बता चुके हैं। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं सोया लबाबदार। तो सुनीता जी, ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये हमने पैन रख दिया है। जी। पैन हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डाल रहे हैं तेल, जो कि होगा तकरीबन 2 बड़े चम्मच। जी। तेल गर्म हो रहा है, इसके साथ साथ हम डालेंगे 2-3 बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, 4-5 काली मिर्च, और 2 ये डोडा यानी कि बड़ी इलायची। ठीक है। इनको हम साथ में डाल देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे प्याज। प्याज है तकरीबन 2 मीडियम साइज के। ठीक है। जिनको कि मैंने फाइन चॉप कर लिया है। बिल्कुल, आपने इनकी जो चॉपिंग है वो एकदम फाइन करी है सुनीता जी। जी। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, ठीक है सुनीता जी। धीरे धीरे यहाँ पे जो प्याज है सुनीता जी, मैं देख रही हूँ गलता जा रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है, और क्योंकि हमने फाइन चॉपिंग कर रही है तो इसको गलने में थोड़ा टाइम भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल, बस हमें थोड़ा इसको कलर आने तक पकाना है। जैसे कि अच्छा सा कलर आने लगा है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च। ठीक है। थोड़ा सा धनिया पाउडर। ओके। थोड़ा सा किचन किंग मसाला। अच्छा। साथ ही थोड़ी सी हल्दी, हल्दी हम डालेंगे जस्ट अ पिंच। ओके। साथ ही इसके हम डाल देंगे अदरक। हाँ। और ये लहसुन का पेस्ट। ठीक है। अब एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है सुनीता जी। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर पेस्ट। ठीक है। जो कि होगी तकरीबन 2 टमाटर की। ठीक है। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है। एक बार टमाटर को थोड़ा भून लें। ठीक है। तो ये जो टमाटर है वो भी बहुत अच्छे से पक जाना चाहिए। जी। हम डाल रहे हैं थोड़ी काली मिर्च पिसी हुई, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही सॉल्ट एज पर टेस्ट। ओके। ठीक है सुनीता जी। इन सबको हम एक बार और अच्छे से भून लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रेवी ऑयल छोड़ने लग गई है। ये जो सोया चाप है इसको मैंने छोटे छोटे रिंग्स में काट दिया है। अच्छा। काटते और इसके फिर जो लेयर्स है उसको मैंने थोड़ा खोल दिया है। ओके। अब इन सबको हम इसमें डालेंगे। ठीक है। अब एक बार इनको हम फिर अच्छे से भूनेंगे। ठीक है सुनीता जी।
साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं। ठीक है स्मिता जी, तो जितनी हमें चीज़ें डालनी थी वो हमने इसमें ऐड कर दिए। नहीं, अभी और भी चीज़ें आएंगी इसमें। अच्छा जी, तो अभी थोड़ा पक रहा है। जी, ये थोड़ा पक रहा है, जिससे कि जो हमारा ये मिक्सचर है उसका जो फ्लेवर है वो इस चाप में आ जाए। ठीक है, ये जो सोया चाप रहती है इसका खुद का कोई फ्लेवर नहीं होता है। जी। जो भी फ्लेवर हमें डेवलप करना है वो हमें मिर्च मसाले के साथ ही इसको करना होता है। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से सोया लबाबदार यहाँ पर तैयार हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ है कि जो प्याज है उसकी जो चॉपिंग है वो काफ़ी फाइन करी गई और उसके बाद अच्छे से पकाया गया। साथ में हमें थोड़े से गर्म मसाले लिए जो आपने अभी देखे, यहाँ पर हल्का सा काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज पत्ता है उसके अंदर, और फिर हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया। टमाटर प्यूरी हमने यूज़ करी, जिसको हमने बहुत अच्छे से, मतलब जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो बहुत अच्छे से पकनी चाहिए। आप इसको स्लो टू मीडियम करते करते आप इसको पकाते रहिएगा, क्योंकि ये जो सब्ज़ी बन रही है इसमें अगर ग्रेवी पकेगी नहीं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। साथ में हमने सिंपल मसाले लिए हैं, जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर बहुत ज़रा सा है, साथ में हमने इसमें लिया है धनिया पाउडर, और ये सारे मसाले ऐड हो चुके हैं। जो सोया है वो एकदम कच्चा ही है, उसको जब भी आप लें उसको रिंग्स में काट दें, स्टिक में से निकाल के। लेकिन याद रखिएगा, सोया को आप, सोया चाप जो आता है इस तरह से बाज़ार में, इसको बहुत अच्छे से वॉश करें, और हो सके तो गर्म पानी से वॉश करें, और फिर आप सब्ज़ी में आप इसको ऐड करके अच्छे से कुक करें। तो ये जो प्रोसीजर है वो अब तक का तो हो चुका है, अब देखना ये है कि इसमें आगे क्या करना है। तो क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले वो अच्छे से कुक हो गए, हमने जो सोया है वो भी इसके अंदर डाल दिया है, अब देखते हैं क्या करना है। तो वर्तिका, जैसे कि आप देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से मर्ज हो गया एक दूसरे में, अब हम इसी दरमियान डालेंगे खोया। अच्छा, एक बार खोया डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी जो ग्रेवी होगी बहुत लिपटवा होगी। अच्छा, तो इसमें क्या सब कुछ एक साथ लगेंगे, अलग अलग नहीं लगेगा कि टमाटर अलग, प्याज अलग, और हमारा ये सोया चाप अलग, सब एक साथ ही लगेंगे, तभी अच्छा। इसका नाम है लबाबदार। अच्छा, खोया हमारा अच्छे से मिल गया है जी। अब बारी है मलाई की, जो हमें एंड में डालनी है। बिल्कुल, ये वही जो मलाई होती है दूध वाली, वही ली है। जी जी, तो सुनीता जी रेडी हो चुकी है। जी वर्तिका, अभी हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो वर्तिका लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच देसी घी। ठीक है, साथ ही कुछ हरा धनिया जो उसकी शोभा को और बढ़ाएगा और प्रेजेंटेबल करेगा, साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला जो इसे बनाएगा थोड़ा चटपटा सा। ठीक है, बस हीट कर देंगे हम बंद, उसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी सोया लबाबदार तैयार हो चुकी है, बारी है इसे सर्व करने की। ठीक है स्मिता जी, तो वर्तिका ये हमारे सोया लबाबदार तैयार है, इसे हम सर्व कर देते हैं। जैसे कि आपने बताया, इसे चावल, रोटी, नान, पराठा, रुमाली रोटी किसी के साथ भी अपन सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे, तो ये तैयार हो चुकी है हमारी सोया लबाबदार। ठीक है, तो सुनीता जी सोया लबाबदार रेडी हो चुका है। जी, दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग दिख रहा है। तो ये है हमारा सोया लबाबदार। तो ये देखिए, ये दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम टेम्पटिंग। और इसमें कुछ बातों का आप ध्यान रखिए कि जैसे जो प्याज है वो भी आप स्लो टू मीडियम पे आप उसको बहुत अच्छे से कुक करिएगा, ग्रेवी इसके बाद अच्छे से कुक होनी चाहिए। और साथ में अगर आप एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि लबाबदार इसलिए है कि इसको हमने काफ़ी अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं है कि सोया आपको अलग से नज़र आ रहा है, उसको हमने जैसे काटा था जब सर्कल्स में, तो एकदम मैशी टाइप से हो गया, यानी एक लबाबदार टाइप से तैयार हो गया है।
तो वही इसकी एक बेस्ट चीज़ है जिससे इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में हमने इसमें थोड़ी सी मलाई हमने इसमें यूज़ करी, उससे टेस्ट आएगा। आपने देखा हमने इसे मावा डाला है, तो दो इन्ग्रीडियंट ऐसे हैं जो कि इसके लिए ज़रूरी है। साथ में हमने इसमें किचन के मसाले का यूज़ किया है, तो कुछ बातों को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। बाकी सिंपल मसाले सिंपल चीज़ें हैं, आप घर में ज़रूर से बना कर देखिएगा। तो देखिए थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखेंगे अपनी रसोई में तो हर रेसिपी आपसे अच्छी बनेगी, क्योंकि हर रेसिपी का अपना एक ड्यूरेशन होता है, अपना एक बनाने का तरीका होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है थोड़ा टाइम लेती है, कुछ चीज़ें ऐसी लगती है ऐसी होती हैं जिनके हमें समय लगता है, इसको हमें स्लो फ्लेम पे ही बनाना होता है। तो इन सब चीज़ों की अगर आपको जानकारी होती रहेगी, उन चीज़ों का अप्लाई करती रहेंगी लाइफ में, तो आपसे रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी बनेंगी। इसी तरीके से रेसिपी है ये वाली, आप इन्हें ज़रूर से ट्राई करिए। और कभी कभी हरी सब्जियों की बहुत दिक्कत हो जाती है तो समझ में नहीं आता क्या बनाएं, अब मार्केट में भी नहीं आती हैं, तो उस समय पर आप देखिए सोया चाप पूरे साल अवेलेबल रहता है। और इसी के अंदर हमने थोड़ा सा वेरिएशन किया, स्टार्टर भी बन गया, उसकी बहुत शानदार सब्जी भी बन गई। तो चलिए इस तरह से आप भी अपने घर में बनाकर देखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।